गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू दी डे 3 ऑफ केदारकांत ब्लॉग। आई एम शोमिक एंड यू आर वॉचिंग ओल्ड फोन स्ट्रीट। अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं एंड द टेम्परेचर इज अराउंड -3। मेरा शहर ही देखिए, कुछ तो दिखेगा नहीं अंधेरे में। तो अभी समी ट्रैक चालू होने वाला है जो कि सनराइज है 6:30 बजे। तो सभी अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, उधर में गेटर्स वगैरह पहन रहे हैं, हम लोग ने पहन लिया है गेटर्स और माइक्रो स्पाइक्स। सो वी आर रेडी टू रोल, ये एपिक होने वाला है, तो जस्ट देखते रहिए उसके लिए। सो गाइस, वी हैव स्टार्टेड दी हाइक। 1.5 किलोमीटर का हाइक है शायद, 600 या 700 मीटर चढ़े हैं। ये देखिए सब जा रहे हैं और लोग इधर हैं, आगे भी जा रहे हैं एंड इट्स वेरी टफ। जैसे तैसे हम लोग चल रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू दी ट्रेल। इट्स वेरी टफ गाइस, टेम्परेचर इज फ्रीजिंग ओवर हियर, स्नो इज एटलीस्ट 2 फीट डीप, gators and spikes are also not even helping us right now, and the climb is around 75 to 80 degrees steep. It's tough. So guys, I'm not sure how much you guys are able to see me. I have to put light on my face. Trail bahut kharab hai, 50% bhi nahi aaye apni watt lag chuki hai idhar piche aate hue aur aage kuch dikh nahi raha hai। थोड़ा सा इजी ट्रेल है तो कैमरा निकालने का मौका मिला एंड शूट करने का मौका मिला, ज़्यादा शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ। ट्राइंग माई बेस्ट टू व्लॉग दी एंटायर जर्नी, पर इससे ज़्यादा शायद नहीं होगा। सो आगे मिलते हैं, दिन में सिनेमैटिक्स दिखाऊंगा आपको इसका। गाइस, वी हैव रीच्ड द टाइम स्लॉट फॉर सनराइज, बट यू कैन सी दी सीनरी फ्रॉम हियर। इट्स क्लाउडी, लगता है उतरते वक्त इज गोना बी बैड डे, बट दिस इज शुअप एंड इट्स मी, इट्स गोना बी बैड डे व्हाइल गोइंग डाउन एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू एंड दैट साइड यू कैन सी दैट पॉइंटी टॉप, दैट्स इट टॉप, दैट्स द समिट, दैट्स मोर 1 आवर ऑफ ट्रेक एंड इज गोइंग टू बी वेरी टफ। तो उधर ही मिलते हैं जाके। ओके गाइस, फुल डिस्क्लोजर, सबको ही बोलता है केदारकांत बहुत इजी ट्रिप है, बट विंटर में इट्स वन ऑफ द टफेस्ट ट्रिक। इट्स -10 degrees आउट हियर, सनराइज तो हो चुका है बट सीरियसली ये ट्रेल दिख रहा है, वो पहाड़ तक जा रहा है आगे वाला, वो पहाड़ तक जा रहा है बट दैट्स नॉट द पीक। सो क्रॉस करके हम लोग को उस साइड जाना है। ट्रेल इज लाइक प्रॉपर माउंटेनियरिंग। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बर्फ कितनी गहरी है। दिस ट्रेक इज अराउंड 3.5 meters हाफ फीट टॉल। सो ये घुस जा रही है यहाँ पे जैसे आराम से आधे फीट तक, बट कहीं कहीं जगह ये घुस जा रही है 1.5 feet तक। तो हालत बहुत ख़राब है। ट्राइंग माई बेस्ट टू व्लॉग बट नो द एक्चुअलिटी। Yo guys, just look at this view. Yeah, that's the top. That's maybe more 30 minutes of climbing, I don't know. Looking literally like mountaineers and that's the Swargrohini range. I will tell in details as soon as I go first. Like those are our teammates over there standing and waiting for us. Let's go guys. Oh, it's going to be tough from here too. So I hope you guys are enjoying the view. Sab kuch aapke liye. Okay guys, we are very close to the summit. That is the summit and I'm resting over here and this is the way we came from all the way here. Just like mountaineering. And that is the Swargrohini range. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That 6 are from Swargrohini. This is the kind of thing I had to do before reaching NSC here. Like my legs are frozen completely. Oh, I can hardly feel my fingers.
I will catch you guys ahead. गाइस फाइनली आफ्टर इतना मेहनत के बाद इतना ट्रेक के बाद केदारकंठा टॉप वो जो पॉइंट है दैट्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑन केदारकंठा एंड वी हैव डन एवरीवन फ्रॉम माय ग्रुप इज हियर टू कम आवर ट्रेक ऑफ इंडिया ग्रुप इज हियर बट वर्ल्ड ट्रैवलर्स आर नॉट हियर येट बट हमको डिसेंड करना पड़ेगा एज फॉर द गाइड रूल्स सो पहले फोटोज ले लेंगे सीजस रिव्यूज सो गाइज इट वॉज एक्चुअली फ्रीजिंग एट द टॉप तो ज्यादा वीडियोज बना नहीं सके आई एम लुकिंग वियर्ड वियर्ड इन दिस आउटफिट सो हैव टू जस्ट गेट डाउन वी आर लाइक राइट नाउ डिसेंडिंग यू कैन सी देम एंड वी आर डिसेंडिंग फ्रॉम दिस स्नोई पाथ स्लेजिंग डाउन समटाइम मूविंग डाउन तो वैसे ही अभी डिसेंड करना है काफी देर हालत खराब हो गई ऊपर जाते जाते जैसे फोटोज लेने चाहिए थे जैसे वीडियोस लेने चाहिए थे कुछ नहीं हुआ इट वाज फ्रीजिंग -14 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर देयर नीचे इज बेटर एंड सन इज आल्सो राइजिंग अप राइट नाउ सो नहीं पता डिसेंडिंग का कितना वीडियो बनेगा बट अभी लगासू फेस कैंप वापस जा रहे हो वैसे जुरा का तालाब भी जाना है उसका वीडियो रहेगा सो जस्ट स्टे ट्यून्ड सिनेमैटिक्स जो भी खींच पाऊंगा वो डाल दूंगा यूहू सो गाइज हम लोग का डिसेंट स्टार्ट हो गया फ्रॉम लुहासू बेस कैंप टू वापस जुरा का तालाब हम लोग अभी वेट कर रहे हैं इधर म्यूल्स पास करने के ये म्यूल्स हम लोग के सामान कैरी कर रहे हैं एंड ये अभी हम लोग से पहले पहुंच जाएंगे हम लोग इनके पीछे पीछे आएंगे जुरा का तालाब तो जस्ट एंजॉय ये डे 3 का सेकेंड हाफ है हम लोग का और जो हम लोग जुरा का तालाब आज पहुँच गए टाइम में तो कल सुबह वहाँ से भी निकल जाएंगे वापस सांकड़ी के लिए तो वैसे ही ख़त्म होगा अपना जर्नी केदारकंठ का अभी इधर ठंडी उतनी नहीं है बट ट्रेल इज बैड एज डिसेंडिंग थोड़ा मुश्किल होता है खासकर मेरे लिए सो जस्ट एंजॉय द सिनेमैटिक स्टिल लाइन
तो गाइस ऑलमोस्ट हम लोग जुराका तालाब वापस पहुंच चुके हैं। उतरना ही उतरना भी टफ नहीं था, एक घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग। और ये सब कोई अपना वर्ल्ड रैम्बलर्स टीम, वर्ल्ड रैम्बलर्स सब आज पीक सबमिट कर लिया एंड वी हैव डन इट सक्सेसफुली। हाउ इज द जोश गाइस? अब जिंदा नीचे पहुंचना है, देखते रहिए वो कल का वीडियो में आएगा। सो गाइस वी आर फाइनली बैक अगेन एट जुराका तालाब। स्टैंड लग चुके हैं वापस से, 12-15 जन आ चुके हैं, बाकी लोग आ रहे होंगे। सी जुराका तालाब, तो एक असेंट सक्सेसफुली हो गया है, एक बचा है, फिर वापस साखरी, एवरीथिंग इज डन, देन घर आना है। और ये अच्छी सी एक ट्रिप खत्म होने वाली है। कैन यू सी दैट मून? इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। रात होते इधर बहुत सही तारे लगते हैं। अभी मस्ती का टाइम है, खाना पीना, थोड़ा बॉनफायर का मौका मिले तो वो भी करेंगे। तो देखते हैं जो होगा, आपको आगे वीडियो में पता ही चल जाएगा। टिल देन सी या। सो गाइज आज का डे 3 का वीडियो इधर ही एंड हो रहा है। शाम में कैंप में आने के बाद कुछ खास हुआ नहीं, तो हम लोग जस्ट थोड़ा सा बॉन फायर किए, गप्पे मारे और अभी सोने का टाइम है। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मेरे को केदारकंठ लाइक के बारे में कुछ बताना है। हम लोग ज़्यादातर लाइक यूट्यूब वीडियोज़ पर देखते हैं कि केदारकंठ इज़ अ वेरी ईजी ट्रैक, हमेशा ईजी रहती है, तो वैसा कुछ नहीं है। केदारकंठ इज़ ईजी बिगिनर्स ट्रैक्स ओनली इन लाइक गर्मियों के महीने में जब बर्फ़ नहीं होती। इन जब बर्फ़ होती है तो इट्स प्रिटी मॉडरेट ट्रैक, नॉट फॉर बिगिनर्स। आज तो देखा ही होगा आपने मेरे वीडियो में कैसी मेरी लगी हुई थी, तो मेरा फिटनेस 0 लेवल पे, तो अगर कोई फिट है वो चढ़ सकता है आराम से, एंड अगर कोई फिट नहीं है तो उसको प्रॉब्लम होगी, दैट इज द पॉइंट। तो अगर आप केदारकंठ आ रहे हो तो देख लीजिए कि आपका फिटनेस कैसा है, नहीं तो आपके प्रॉब्लम होगी, दैट इज द बेसिक पॉइंट। और केदारकंठ इज़ नॉट दैट ईजी जितना दिखाया जाता है वीडियो पे, एंड इज़ नॉट दैट टफ, वन ऑफ द बेस्ट विंटर ट्रैक्स फॉर श्योर, सो चूज़ वाइजली। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, टुमारो हम लोग जाने वाले हैं जुराके तालाब से साखरी, सो दैट इज़ गोइंग टू बी आवर सेकेंड डिसेंट एंड द फाइनल वन। सो टिल देन बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय।